नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व पांडे है। फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम लोग की फ्रेमिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, जितने भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब में आपको की फ्रेमिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको अपने फुटेज में बेसिक या फिर कुछ एडवांस एनिमेशन करने हैं तो उसके लिए आप की फ्रेम को यूज करते हैं। तो देखते हैं फाइनल कट प्रो एक्स में की फ्रेमिंग किस तरीके से की जाती है। यहां पर आपको एक फुटेज दिखाई दे रहा है। अब अगर मुझे इसको की फ्रेम करना है तो वो मैं किस तरीके से करूंगा। दोस्तों, यहां पर इंस्पेक्टर में आप देख रहे होंगे ये जो मेरा रीसेट का बटन है, इसके सामने ये एक प्लस का ऑप्शन आता है, एड अ की फ्रेम। ये प्लस का साइन आपको जहां जहां मिलेगा उसका मतलब आप उन उन ऑप्शंस को की फ्रेम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि की फ्रेमिंग किस तरीके से की जाती है। सपोज मेरे पास ये जो फुटेज है, मुझे उसमें कुछ इस तरह का इफेक्ट देना है कि ये यहां से शुरू होके 5 सेकेंड्स में ये ऐसा आ जाए, तो वो मैं किस तरीके से दूंगा। तो सबसे पहले मेरा ये जो प्ले हिट है इसको मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट में ले जाऊंगा। एक बार दोस्तों याद रखिएगा, की फ्रेमिंग करते वक्त ये प्ले हिट काफी इंपॉर्टेंट या काफी मायने रखता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आपको स्केल 0 से 100 करना है 5 सेकेंड्स में, आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट में ले जाइए। आप यहां पे की फ्रेम को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप की फ्रेम ऐड करेंगे आप देखेंगे एक येलो हाइलाइटेड एरिया आपको दिख जाएगा। अब आप यहां पे क्या करिए, आप अपने स्केल को 0 कर दीजिए। अब अगर मैं 5 सेकेंड में इसको 100% करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं अपने प्ले हिट का ये जो मेरा लाइन है इसको मैं ले जाके 5 सेकेंड्स में छोड़ूंगा। फिर मैं यहां पर एक और की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको मैं 100% कर देता हूं। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा अटक रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी ये रेंडर नहीं हुआ है, तो अगर एक बार ये फुटेज रेंडर होगा तो ये काफी स्मूथ होगा। दोस्तों, यहां पर आप राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं यहां पे वीडियो एनिमेशन का एक ऑप्शन है, शो वीडियो एनिमेशन। आप जब यहां पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो की फ्रेम है ये यहां पे लगा हुआ है। आप ये व्हाइट डॉट देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको पीछे करेंगे आप देखेंगे यहां पर इसके स्केल की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ये देखिए आप। और यहां आके ये 100 पे आ चुका है। जहां पे ये पॉइंट है यहीं पे ये आपको येलो हाईलाइट एरिया दिखेगा। अब अगर आप इसकी ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं, थोड़ा ये एनिमेशन को फास्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है आप इसको ड्रैग करके अपने माउस से जितने भी सेकंड में आपको चाहिए आप उतने में ले आइए। सपोज मुझे ये 2 सेकंड का चाहिए तो मैं इसको 2 सेकंड में ले आऊंगा। आप ऊपर टाइम भी देख सकते हैं 2 सेकंड। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा एनिमेशन फास्ट हो चुका है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो इस तरह से हम स्केल को की फ्रेम कर सकते हैं। आप चाहे तो एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे भी की फ्रेम कर सकते हैं। अब अगर मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अपने ये जो मेरा फुटेज है इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूंगा और मैं उसको एनिमेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जाकर सबसे पहले पोजीशन पे की फ्रेम को ऐड करूंगा। फिर मैं जहां पर तक मुझे वो एनिमेशन चाहिए मैं वहां तक अपने ये जो मेरा प्ले हिट है इसको ले जाऊंगा और यहां पर इसको एक और की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। यहां पर से मैं इसको क्लिक करता हूं और अगर मैं इसकी पोजीशनिंग चेंज करता हूं तो आप देख सकते हैं ये एक रेड कलर का आपको दिखेगा, इसका मतलब आपकी पोजीशन एनिमेट हो रही है। आप चाहे तो यहां पर से इस हैंडल ये जो पॉइंट है इससे पोजीशन को चेंज कर सकते हैं।
तो जो आपका इफेक्ट होगा वो कुछ अब इस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं, इसको पूरा प्ले करते हैं, यहां तक मेरा स्केलिंग हुई है, फिर मेरा वीडियो नॉर्मल है। यहां पर आप डॉट देख रहे हैं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है पोजीशन चेंज करने के लिए। क्या लाइए ये? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा फुटेज एनिमेट हुआ है। अब अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहां पर से रीसेट को क्लिक कर दीजिए, तो क्या होगा, जो ये जो आपने की फ्रेम किया है ये रीसेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यहां से मेरी ओपेसिटी कम हो जाए, सिर्फ इतने पोर्शन से मेरी ओपेसिटी कम हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ओपेसिटी के सामने जाके की फ्रेमिंग पे यहां पे क्लिक करूंगा, इसको प्ले करते क्या हैं, यहां तक मैं चाहता हूं मेरी ओपेसिटी पूरी चली जाए वीडियो की, तो मैं क्या करूंगा इसको ऐसे कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसको भी रीसेट करते हैं दोस्तों। पहले इसको एक बार, ये जो मेरा वीडियो एनिमेशन ये जो खुला है, अगर आपको इसको क्लोज करना है आप यहां पर से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सिर्फ फुटेज की प्रॉपर्टी को ही नहीं बल्कि इफेक्ट को भी की फ्रेम कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं सपोज अपने आर्टिफैक्ट्स को डालता हूं, मैंने एक इफेक्ट इफेक्ट लिया है आर्टिफैक्ट्स का, आप देखेंगे मेरे ये जो आर्टिफैक्ट है, ये इफेक्ट टैब के अंदर आर्टिफैक्ट जो है इसके अंदर भी या प्लस देख सकते हैं। इसका मतलब आप यहां पे जो कलर के सामने, इसको आप की फ्रेम कर सकते हैं, पोजीशन को आप की फ्रेम नहीं कर सकते हैं। देखिए ब्लेंड मोड को आप पोजीशन नहीं कर सकते क्योंकि इसके सामने की फ्रेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहां पे ओपेसिटी को आप की फ्रेम कर सकते हैं और ब्लर अमाउंट को आप की फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर सपोज मुझे इसको एक कलर को चेंज करना है और साथ में ही इसके ब्लर अमाउंट को भी चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मुझे अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट से करना है तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जाऊंगा, यहां पर मैं अपने कलर को, ये जो मेरा कलर है इसको यहां पे ऐड की फ्रेम करूंगा और एक मैं ब्लर अमाउंट पे की फ्रेम ऐड करूंगा। आप देख सकते हैं ये येलो हाईलाइट एरिया आ चुका है। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं कलर देता हूं रेड का। आप देख रहे हैं मेरे आर्टिफैक्ट्स रेड कलर के हैं। अब यहां पर ले जाके मैं इसको फिर से यहां पर की फ्रेम ऐड करता हूं कलर्स पे और एक मैं ब्लर अमाउंट पे करता हूं, और यहां पर मैं इसको चेंज करके कर देता हूं येलो, और साथ में मैं ब्लर अमाउंट को इंक्रीज कर देता हूं। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का इफेक्ट आ चुका है, आप देख रहे हैं, और ये येलो में आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप की फ्रेम कर सकते हैं। आप चाहे तो मास्क को की फ्रेम कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को की फ्रेम कर सकते हैं जिनकी भी प्रॉपर्टी आपको यहां पे ये प्लस में दिखाई दे रही है। अगर मैं अपने फुटेज को, एक और फुटेज लेते हैं, दूसरी फुटेज को लेते हैं, यहां पे मेरे पास एक ये है, इसको मैं मास्क डालता हूं, सपोज इसमें मैं शेप मास्क को डालता हूं, इसको इन्वर्ट करते हैं, और यहां पे ये जो मेरा बैकग्राउंड है, ये जो मेरा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसमें मैं ये डाल देता हूं। अब मैं चाहता हूं मेरा ये जो है ये की फ्रेम हो और इसकी स्केलिंग 100 से बढ़कर 120 हो जाए, तो मैं, या 140 हो जाए, तो मैं वो कैसे करूंगा। मैं सिंपल सा यहां पे नीचे जाऊंगा, यहां पे मैं स्केल पे की फ्रेम करूंगा, और जहां तक मैं चाहता हूं स्केलिंग हो, सपोज मैं यहां तक चाहता हूं, यहां पर मैं स्केल पे फिर से की फ्रेम को ऐड करूंगा, आप ये येलो हाईलाइटेड एरिया देखेंगे, और इसको मैं यहां पर से स्केल कर दूंगा। तो अब जो मेरा इफेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, आप देख सकते हैं कुछ और करके देखते हैं। अगर मैं टेक्स्ट में की फ्रेम करना चाहता हूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। यहां पर से एक टेक्स्ट लेते हैं, मैंने बिल्ड इन आउट का एक टेक्स्ट लिया है, एक नॉर्मल कस्टम हम लोग उठाते हैं टेक्स्ट को। अब मैं चाहता हूं इस टाइटल को नाम देते हैं,
यहां पर से आप टेक्स्ट का टाइटल को चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देते हैं नाम प्रैक्टिस। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से, आप देख रहे हैं अभी जो इसका, यहां पर से आप देखेंगे जो स्केल है वो 100% है, मैं इसको 150 करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट में यहां पर एक की फ्रेम को ऐड करूंगा, दूसरा की फ्रेम मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर इसको ऐड करूंगा और इसको स्केल कर दूंगा। तो अब जो मेरा इफेक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं, और यहां पर मेरे, आप यहां पर से देख सकते हैं स्केलिंग की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फुटेज में की फ्रेमिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपको रोटेट करना है कोई फुटेज को, लेते हैं अब इस फुटेज को, आप चाहते हैं कि इसकी पोजीशनिंग भी चेंज हो, ये रोटेट भी हो और साथ में इसकी स्केलिंग भी हो, तो वो आप किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए भी सेम तरीका है दोस्तों। आप सबसे पहले इनिशियल पॉइंट में जाइए, यहां पर पोजीशन पर एक की फ्रेम को ऐड कर दीजिए, एक रोटेशन पर ऐड कर दीजिए और एक स्केल पे ऐड कर दीजिए। अब जहां तक आपको ये एनिमेशन चाहिए, आप अपने प्ले हेड को ले जाइए वहां पे, और यहां तक सपोज मुझे चाहिए, और यहां पर आप एक और की फ्रेम को ऐड कर दीजिए, रोटेशन को ऐड कर दीजिए और स्केल को ऐड कर दीजिए। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सबसे पहले मैं स्केलिंग को करता हूं, यहां से मैं स्केलिंग बढ़ाता हूं, फिर मैं इसकी पोजीशनिंग को थोड़ा सा ऐसे चेंज करना चाहता हूं, ये रेड मतलब ये की फ्रेम हो रहा है, और फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करके और यहां से फिर से स्केल बढ़ा देता हूं इसका। इसको मैं फिट करता हूं। अब मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो देखेंगे आप किस तरीके का इफेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं मेरी जो स्केलिंग भी हो रही है, रोटेशन भी हो रहा है और साथ में पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बेसिक से लेकर एडवांस एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं की फ्रेम की हेल्प से। इसके अलावा दोस्तों आप ऑडियो में भी की फ्रेमिंग कर सकते हैं। ऑडियो में किस तरीके से की फ्रेमिंग करनी है वो हम लोग जो ऑडियो का एक सेपरेट लेक्चर होगा उसमें सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।